हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज हम नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। टुडेज आवर टॉपिक इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस चैलेंजेस अमंग इंडियन सोसाइटी, मींस भारतीय समाज की आंतरिक और बाहरी चुनौतियाँ, या ये भी बोल सकते हैं कि भारतीय समाज की आंतरिक और बाहरी बाधक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले आंतरिक की बात करते हैं। आंतरिक मतलब इंटरनल, भारतीय समाज की आंतरिक चुनौतियाँ। तो चलिए पहली चुनौती को पढ़ते हैं। सबसे पहले है जातिवाद। जैसे आप सभी जानते हैं कि जातिवाद क्या है। जातिवाद भारतीय समाज के विकास की एक बहुत बड़ी बाधा है। इस पर प्रकाश डालते हुए J.A.S. घुरे ने यह भी कहा था कि यह जाति प्रेम की भावना है जो अन्य जातियों में कटुता उत्पन्न करती है और राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए अनुपयुक्त वातावरण तैयार करती है। जातिवाद और हमारा जो भारतीय समाज है एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल विपरीत है। राष्ट्रीय, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय एकता है, राष्ट्रीय एकता का विकास उसी समय हो सकता है जब राष्ट्र के समस्त निवासी अपने को एक दूसरे से समान समझते हों, उनमें ऊंच नीच की भावना ना हो। जातिवाद मनुष्यों को ऐसा करने से रोकती है। जब व्यक्तियों में स्वयं ऊंच नीच की भावना है तब उनमें समानता की भावना किस प्रकार आ सकती है। तो क्या है जातिवाद, क्या है समाज में एक बहुत बड़ी बाधा है, या ये बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है आज समाज में। आज वर्तमान समय में भी समाज जाति के आधार पर बंटा हुआ है। वैसे तो बोलते हैं कि आज की संविधान में इतनी घोषणाएं की गई है कि जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी इतने कानून बनाने के बाद भी आज भी ये जातिवाद क्या है, एक चुनौती बन के रह गया है समाज के लिए। ठीक है ना। तो अब हम दूसरे चुनौती की बात करते हैं, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भी क्या है, भारतीय समाज की एक दूसरी आंतरिक बाधा है। ठीक है, भारत, आपको पता है कि भारत में मुख्य रूप से दो संप्रदाय हैं, हिंदू और मुस्लिम। इसमें से हिंदू अनेक संप्रदायों में बंटे हुए हैं। सभी संप्रदाय अपने को एक दूसरे से क्या मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, ऊँचा मानते हैं, और दूसरे से क्या करते हैं, दूसरों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। फलस्वरूप सभी संप्रदायों को एक दूसरे के प्रति क्या है, द्वेष है, कटुता पाई जाती है। इसके कारण देश में एकता को महान क्षति पहुंचती है। ठीक है, जिससे कि भारतीय समाज का विकास भी रुक जाता है। तो भारतीय समाज की ये क्या थी, सांप्रदायिकता एक सबसे बड़ी चुनौती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं प्रांतीयता। प्रांतीयता में क्षेत्रता। क्षेत्रता का तात्पर्य क्या है, क्षेत्रता का तात्पर्य उन्हीं प्रवृत्तियों से है जिनके अंतर्गत विभिन्न भाषाई, जाति या क्षेत्रीय समुदाय राजनीतिक, प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्रता की मांग करते हैं। भारत में मुख्य रूप से असम, नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय आंदोलन से प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो नाउ अब हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं भाषावाद। भाषावाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के सम्मुख एक बहुत बड़ी चुनौती है, या भारतीय समाज के सम्मुख एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भारत एक क्या है, बहुभाषी राष्ट्र है। क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, आप यहाँ से एक जिले से दूसरे जिले में भी अगर जाते हो तो वहाँ पे भी भाषा में अंतर पाया जाता है। तो भाषा में अंतर होने से भी हमारे समाज, क्योंकि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है, वो क्या हो रहा है, वो प्रभावित हो रहा है। ठीक है, मतलब कि आज भारतीय समाज में भाषावाद भी एक चुनौती बनकर रह गया है, क्योंकि भाषावाद के नाम पर भी लोग क्या करते हैं, आपस में भ्रष्टाचार उत्पन्न करते हैं, एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है हमारी निर्धनता। निर्धनता भी हमारी भारतीय समाज की एक आंतरिक चुनौती है। निर्धनता कुछ हद तक भारत की सुरक्षा को भी प्रभावित करती है। इसका मुख्य कारण राष्ट्र की आर्थिक दशा ठीक ना होना, वैसे भी देखा जाए तो भ्रष्टाचार, अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद एवं निर्धनता आदि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए कड़ी चुनौतियाँ होती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो किसी भी खतरे से कम नहीं है। ठीक है, और आज देश है वो क्या है, नक्सलवादियों से घिरा हुआ है। तो भाषा निर्धनता भी क्या है, निर्धनता के कारण ही क्या होते हैं, जो नवयुवक होते हैं वो अगर वो किसी बुरे रास्ते पे लग जाते हैं तो वो नक्सलवाद बनना शुरू हो जाते हैं, आतंकवाद बनना शुरू हो जाते हैं, अपने आप को अलगाववाद समझने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे आंतरिक चुनौतियाँ थी। ठीक है, तो ना अब हम डिस्कस करते हैं इसकी बाहरी चुनौतियों की, भारतीय समाज की बाहरी चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं। तो चलिए सबसे पहली है
राजनीतिक दल लोकतंत्र की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनके द्वारा ही जनता में राजनीतिक चेतना और जनमत का निर्माण किया जाता है। इन दलों का संगठन राजनीतिक विचारधाराओं के आधार पर किया जाता है। हमारे देश में ना तो इनका संगठन ही इस प्रकार किया जाता है और ना ही ये अपने दायित्वों को ही पूर्ण करते हैं। कुछ दल संगठन जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर किया जाता है, इन्हीं का सहारा लेकर ये वोट मांगते हैं। तो राजनीतिक दल भी आज क्या है, भारतीय समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, उसके उदाहरण के लिए द्रविड़ मुनेत्र गणम दल का यह नारा है कि दक्षिण क्षेत्र के निवासियों को उत्तरवासियों के आधिपत्य से मुक्ति दिलाई जाए। ठीक है, अकाली दल की पंजाबी सूबे की मांग ने भारत में एकता का प्रहार किया है। तो नाउ अब हम बात करते हैं दूसरी जो बाहरी समस्या है, वो है आर्थिक समस्या। आर्थिक असमानता भी भारतीय समाज में बहुत बड़ी खाई उत्पन्न कर दी है। भारतीय समाज के सामने आज आर्थिक समानता एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर खड़ी हुई है। आज समाज अमीर और गरीब, किसान और बड़े जिम्मेदार उद्योगपति तथा मजदूरों आदि में विभक्त हो गया है। इन वर्गों के कारण समाज में तनाव संघर्ष को जन्म दिया है, जिसके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को हानि ही नहीं पहुंचती है बल्कि समाज में वर्ग संघर्ष को भी जन्म मिला है। इस संघर्ष ने हमारी राष्ट्रीय एकता को भी प्रभावित किया है और दूसरा हमारे भारतीय समाज को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो नाउ अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट, उसकी भ्रष्टाचार, करप्शन। आपको पता होगा कि आज भारतीय समाज में भ्रष्टाचार घर तक पहुँच गया है। ठीक है, इसमें संपूर्ण सार्वजनिक जीवन को प्रभावित कर दिया है, साथ ही इसने मानव मूल्यों के हाथ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज खाने पीने की वस्तुओं, जीवन रक्षक दवाइयों में भी मिलावट का बोलबाला होता है। आज समाज में कालाबाजारी, तस्करी करने वाली प्रतिष्ठा मान सम्मान के अधिकारी हैं। प्रत्येक ऑफिस में फाइलें सुविधाएं शुल्क के अभाव में आगे नहीं बढ़ पाती है। इन तथ्यों ने राष्ट्रीय चरित्र की गिरावट महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। आज समाज में धन ही सभी वस्तुओं की कटौती बन चुका है। उसके बाद हम बात करते हैं निरक्षरता, अनपढ़ता। ठीक है, शिक्षा के अभाव तथा निरक्षरता के कारण भी भारतीय समाज के सामने क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। निरक्षरता भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी चुनौती है या बाधा बोल सकते हैं, जो समाज में क्या करती है, लोगों में भ्रष्टाचार की भावना पैदा कर देती है। जो पढ़ नहीं पाते हैं वो क्या करते हैं, अपने ज्ञान को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट है हमारी बेरोजगारी। आज का युवक चाहे पढ़ा लिखा है या अशिक्षित, उसके समक्ष बेरोजगारी की समस्या अब हमने उत्पन्न होती हुई देखी है। इस समस्या ने उसके परिवार में संकट उत्पन्न कर दिया है, साथ ही उसने भागनावश को जन्म दिया है, मतलब कि भागना, एक जगह से दूसरी जगह भागना। ठीक है, इस परिस्थिति ने युवकों को असामाजिक कार्यों में करने के लिए प्रेरित किया है। वे हड़ताल, तोड़फोड़, अनैतिक कार्य आदि करने में उतारू हो जाते हैं। इन घटनाओं के विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म दिया है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो उसका बाहरी तत्व है वो है मूल्य संकट, वैल्यू क्राइसिस। आज भारतीय समाज संक्रमण काल में से होकर गुजर रहा है, जैसे आप सभी ने देखा होगा। इसमें परंपरागत तथा नवीन मूल्यों का संघर्ष चल रहा है। परंपरागत मूल्यों को हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। प्राचीन संति परंपरागत मूल्यों को महत्व प्रदान कर रही है और नवीन संति प्रयोजनवादी और भौतिकीवाद के मूल्यों को महत्व प्रदान करती है। तो जो मूल्य संकट है ये भी हमारे भारतीय समाज की क्या है, बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा वोट की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ द गेटिंग वोट्स। स्वतंत्रता काल में वोट की राजनीति ने राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है। आज का भारत वोट की राजनीति के कारण जल रहा है। इसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों नवयुवकों तथा नवयुवतियों ने अपनी जान के कारण अपनी जानें न्यौछावर किया, करोड़ों की संपत्ति की हानि हुई है। साथ ही देश में कानून और व्यवस्था नहीं के बराबर हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं नक्सलवाद। कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का औपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव से हुई है। कहां से हुई है? नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से हुई है, नक्सलबाड़ी। ठीक है, नक्सलबाड़ी से हुई है। जब ईयर 1967 में जब नक्सलवादियों ने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, आज नक्सलवादी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन के खड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं
मादक द्रव्य व्यापार की। मादक द्रव्य व्यापार भी क्या है, बढ़ता जा रहा है आज, ठीक है, इसका व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। भारतीय समाज में आंतरिक सुरक्षा के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती या बाधक के रूप में खड़ा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग का मीनिंग होता है काले धन को वैध बनाना, ठीक है, काला धन जो होता है ना उसको वैध बनाना। मनी लॉन्ड्रिंग यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अवैध स्रोतों से अर्जित की गई आय को वैध बताकर दिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आतंकवाद की। आपने देखा होगा कि आतंकवाद आज जो हमारी भारी सबसे बड़े हमारे भारतीय समाज की सबसे बड़ी चुनौती है आतंकवाद। आतंकवाद ने हमारे पूरे समाज को हिला कर रख दिया है। आपने अभी एक घटना देखी होगी कि आए दिन हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में ये आतंकी ढेर हो गए, वो आतंकी ढेर हो गए। तो आतंकवाद ने भी हमारी पूरी भारत की अर्थव्यवस्था, पूरे भारतीय समाज को हिला कर रख दिया है। तो ये थे हमारे भारतीय समाज में सम्मुख आने वाली आंतरिक और भारी चुनौतियाँ। धन्यवाद।